पैसे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हो तो ये तीन कहानियां सुनाने वाला हूं जिससे आपके दिल को थोड़ी सी शांति मिलेगी और दिमाग थोड़ा सा तोड़ेगा। पहली, शाहरुख खान को हम पठान मूवी के लिए जानते हैं, पर आज ये 5,000 करोड़ का मेगा स्टार एक टाइम पर कर्ज में थे। 2012 में उन्होंने रावण बनाई जिसमें उन्हें 150 करोड़ लगाए और मूवी फ्लॉप हो गई। उनकी नाइट राइडर्स टीम मैचेस हार रही थी और लोगों से गालियां पड़ रही थी। जब इतना कर्जा और नुकसान हो रहा हो तब फेम काम नहीं आता। वो रात भर बाथरूम में रोते रहते, अपने बच्चों के सामने रो रहे थे, क्रिकेट टीम बेचने की सोच रहे थे। ये मोटिवेशन वीडियो नहीं है, रामबाण है, लिख लो, बच जाओगे। उन्हें पता था कोई बाहर वाला उनके नुकसान नहीं भरेगा, तो उन्होंने वही करा जो सालों से करते आ रहे थे, अपना काम। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बजाय वापस एक्टर बन गए और डॉन 2 और जब तक है जा में अपनी परफॉर्मेंस से उस दलदल से खुद को बाहर निकाला। दूसरी, जैकी श्रॉफ को हम देवदास, भरत और टाइगर श्रॉफ की वजह से जानते हैं, पर 2008 में इन्होंने बू मूवी बनाई, हाँ वही वाली, पर वो मूवी फ्लॉप हो गई और वो बर्बाद। उन्होंने बैंकरप्ट होने से बचने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट पर मार्केट से लोन उठा लिया और जब लोन चुकाने का टाइम आया तो वो 50 लाख का लोन 1 करोड़ हो गया और वो लोन नहीं दे पाए। उनके ऊपर लीगल केस भी हो गया और निकलने के सारे रास्ते बंद थे। कहते हैं जब सब दरवाजे बंद होते हैं तब आपका एक पुराना कर्म ही काम आता है। 20 साल पहले उन्होंने एक एक्टर की फोटोज हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को दिखाकर उसे रोल दिलवाया और लॉन्च करा। 20 साल बाद उसी एक्टर का फोन आया और बोला मैं संभाल लूंगा, और जैकी सर की आंखों में आंसू थे और उस एक्टर का नाम था सलमान खान। और अब तीसरी, अमिताभ बच्चन सर 1990s में फ्लॉप पर फ्लॉप दिए जा रहे, उन्हें लगा एक्टिंग उनके लिए नहीं है तो उन्होंने एक्टिंग छोड़कर प्रोड्यूसर बन गए। प्रोड्यूसर बनकर उन्होंने और बड़े लॉस हुए और वो बैंकरप्ट होने वाले थे। जब इतना नुकसान हो रहा हो तब फेम काम नहीं आता और मार्केट में कोई मुंह नहीं लगाता। उन्होंने अपनी ईगो को साइड रखा और एक्टिंग पर दोबारा फोकस करा और इस बार वो साइड रोल लेने को भी तैयार हो गए। यशराज फिल्म की मोहब्बतें में और करण जौहर सर की कभी खुशी कभी गम में। आज इस ईगो को साइड रखने में 80 साल की उम्र में उनकी नेटवर्थ 3500 करोड़ की मानी जाती है। प्रॉब्लम इससे ज्यादा बड़ी है तो नीचे वीडियो देख लो।